आज हम लोग इस वीडियो में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम लोग आज एस ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। एस ब्लॉक एलिमेंट में उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है और जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स होते हैं एस ब्लॉक से रिलेटेड, उसके बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पी ब्लॉक एलिमेंट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्या है एस ब्लॉक एलिमेंट। एस ब्लॉक एलिमेंट होता क्या है? एस ब्लॉक एलिमेंट वो होता है जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है एस ऑर्बिटल में जाता है, वो हमारा एस ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो एस ब्लॉक एलिमेंट में कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो होते हैं मेटल होते हैं। तो एस ब्लॉक का फर्स्ट स्टेज जो होता है हमारा एल्कली मेटल होता है। तो एल्कली मेटल में कौन कौन से एलिमेंट हैं वो देखते हैं। एल्कली मेटल में जो हमारा है लीथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम और फ्रांसियम, ये हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट हैं। अगर आपको ये नेम याद नहीं हो तो आप इसे ट्रिक से भी याद कर सकते हैं, लीना की रबड़ी सस्ती फ्री, आप ऐसे भी इसको याद कर सकते हैं। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है NS1 ऑर्बिटल में जाता है। तो इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1। ये सारे एलिमेंट्स के लिए यही लगेगा, लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम सीजियम, सारे के लिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? NS1। और यहाँ N क्या है? मैक्सिमम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है होता है। तो इसके और सेकेंड हमारा है इसकी एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज़ की बात करें तो जब हम लोग टॉप टू बॉटम जाते हैं ग्रुप में, टॉप टू बॉटम, तो एटॉमिक साइज जो होती है इंक्रीज़ होती है। तो सबसे ज़्यादा साइज़ किसकी होगी? सीजियम की, फिर रुबिडियम, फिर पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर लिथियम की। और फ्रांसियम जो हमारा होता है ये हमारा रेडियो एक्टिव होता है, तो इससे ज़्यादा नहीं मतलब है। फिर साइज ऑफ़ केटायन की बात करें, इसमें साइज ऑफ़ केटायन की बात करें तो इसमें भी ऐसे ही होता है, लिथियम प्लस, फिर उससे लेस सबसे ज़्यादा होता है सीजियम प्लस का। साइज ऑफ केटायन में सबसे ज़्यादा किसकी होती है? सीजियम प्लस की होती है। लेकिन एक एक्सेप्शन है, सोडियम बड़ा होता है सोडियम प्लस से। सोडियम जो होता है हमारा सोडियम प्लस से सोडियम बड़ा होता है सोडियम प्लस से, तो ये इम्पॉर्टेंट है। अब साइज ऑफ केटायन इन इक्विलिब्रियम में बात करें, एक्वस मीडियम में, सॉरी, साइज ऑफ केटायन का एक्वस मीडियम में बात करें तो लिथियम एक्वस, तो यहाँ पे ये रिवर्स हो जाता है, टॉप टू बॉटम जाएंगे तो डिक्रीज होने लगता है एक्वस मीडियम में, तो लिथियम का सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ याद रखना है। एक्वस मीडियम में जो हमारा होता है रिवर्स हो जाता है इसकी साइज। और आयनिक मोबिलिटी में क्या होता है? स्पीड ऑफ आयन्स बाय पोटेंशियल, ये हमारी आयनिक मोबिलिटी होती है। तो आयनिक मोबिलिटी जो होती है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज होती है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारी डिक्रीज होगी आयनिक मोबिलिटी, क्योंकि साइज़ के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, साइज़ इंक्रीज होगा तो आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज होगी, इसलिए टॉप टू बॉटम जाने पर आयनिक मोबिलिटी डिक्रीज होगी। और आयोनाइजेशन एनर्जी की, अब थर्ड है आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन जो होता है आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। तो ऐसा क्यों होता है साइज़? क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे साइज़ इंक्रीज़ होती है, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। और डेंसिटी, और नेक्स्ट क्या है डेंसिटी की बात करें तो डेंसिटी भी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़ होती है, डेंसिटी हमारी टॉप टू बॉटम जाने पे इंक्रीज़ होती है। और एक्सेप्शन क्या है? सोडियम की, ये इंपॉर्टेंट है, सोडियम की डेंसिटी पोटेशियम से ज़्यादा होती है, ये एक्सेप्शन है, इसको याद रखना ज़रूरी है। तो ये हो गया। और नेक्स्ट हमारा है ऑक्सीडेशन नंबर। ऑक्सीडेशन नंबर में क्या होता है? वैसे तो फ्री स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर जो होता है हमारा ज़ीरो होता है। अगर आयनिक बॉन्ड में, जैसे अगर ये कोई बॉन्ड मॉलिक्यूल फॉर्म में है तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा इसमें ऑलमोस्ट इसका ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है। और कंडक्टिंग, और नेक्स्ट है हमारा कंडक्टिंग प्रॉपर्टी।
कंडक्टिंग प्रॉपर्टी क्या होती है? सरफेस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर लेसर, दैट्स वाई कंडक्टिंग इज लेसर। सरफेस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होते हैं लेसर होते हैं, इसलिए हमारी कंडक्टिंग प्रॉपर्टी जो होती है ये भी हमारी लेसर होती है। जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। जैसे टॉप टू बॉटम जाएंगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है, और टॉप टू बॉटम जाने पर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी डिक्रीज होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, ड्यू टू लेसर आयोनाइजेशन एनर्जी दोज एलिमेंट्स हो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। और मेटालिक नेचर, इसमें मेटालिक नेचर क्या होता है, मेटालिक नेचर जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होता है। तो टॉप टू बॉटम जाएंगे तो हमारा मेटालिक नेचर जो होगा इंक्रीज होगा। तो ये फ्लेम कलर की बात करें तो हमारा सोडियम जो है सोडियम क्रिम्शन होता है, सॉरी लिथियम क्रिम्शन होता है, सोडियम गोल्डन येलो होता है, पोटेशियम पेल वायलेट होता है, रुबीडियम वायलेट होता है और सीजियम वायलेट होता है। नेक्स्ट हमारा है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी की बात करें तो ये वेरी लेस इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, बहुत कम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ये शो करते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्या है, मल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ये मल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है ये हमारी मेटालिक स्ट्रेंथ पे डिपेंड करती है। जो मेटालिक स्ट्रेंथ होती है ये हमारी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और सरफेस इलेक्ट्रॉन्स के। तो मल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है। मल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो होता है टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होता है, मल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। और नेक्स्ट हमारा है रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी जो हमारी होती है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आयोनाइजेशन एनर्जी होती है। टॉप टू बॉटम जाने पे रिएक्टिविटी जो होती है इंक्रीज होती है। सीजियम सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होगा, लिथियम सबसे कम रिएक्टिव होगा, तो ये है। तो और इसमें रिएक्टिविटी में फर्स्ट में क्या है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन। तो ये MH टाइप हाइड्राइड बनाते हैं, जैसे लिथियम बना लिया, LiH, सोडियम NaH, पोटेशियम KH, रुबीडियम RH, ये हमारे लिथियम हाइड्राइड, सोडियम हाइड्राइड, पोटेशियम हाइड्राइड, रुबीडियम हाइड्राइड, सीजियम हाइड्राइड, ये हमारे MH टाइप के हाइड्राइड बनाते हैं। जो हमारा LiH होता है, लिथियम हाइड्राइड जो होता है, ये हमारा कोवेलेंट करेक्टर शो करता है। फ्लेम कलर की नेक्स्ट है हमारा फ्लेम कलर। फ्लेम कलर की बात करें, व्हेन मेटल आर बर्न इन फ्लेम देन गिव डिफरेंट कलर। ये जो फ्लेम कलर की बात करें तो डिफरेंट कलर शो करते हैं। ये पेज रिपीट हो गया है। रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन की बात करें तो हमारा लिथियम क्लोराइड जो होता है आयनिक नेचर, ये सब हमारा ऐसे होता है। लिथियम क्लोराइड कोवेलेंट करेक्टर भी शो करता है। रिएक्टिविटी विद एयर थर्ड है हमारा इसमें, रिएक्टिविटी विद एयर। एयर के साथ ये रिएक्टिविटी कैसे शो करता है, जब इसकी एयर के साथ हम लोग रिएक्शन कराते हैं तो मतलब कि ये हमारा कोई ऑक्साइड देता है, कोई परऑक्साइड देता है और कोई सुपर ऑक्साइड देता है। तो लिथियम जो हमारा होता है Li2O ऑक्साइड शो करता है, सोडियम परऑक्साइड और पोटेशियम रुबीडियम सीजियम जो हमारा है ये हमारा सुपर ऑक्साइड बनाता है। ये जो हमारा सुपर ऑक्साइड होता है ये सिमिलर था, ये साइज एनायन के बराबर होता है। सुपर ऑक्साइड जो होता है ये लगभग एनायन के बराबर होता है। जब वाटर के साथ ये रिएक्टिविटी होता है तो क्या होता है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके MOH टाइप का हाइड्राइड बनाता है। ये हमारा MOOH टाइप का हाइड्राइड बनाता है। तो ये हमारा लिथियम ऑक्साइड बनाता है। लिथियम ऑक्साइड जो होता है लेस बेसिक होता है, ये बहुत ही कम बेसिक होता है। और सोडियम ऑक्साइड जो होता है आयनिक नेचर का होता है, और पोटेशियम ऑक्साइड जो होता है हमारा
बेसिक नेचर का होता है, और रूबिडियम ऑक्साइड जो होता है बेसिक नेचर इसका बहुत ज़्यादा होता है, और सीज़ियम ऑक्साइड ये सबसे ज़्यादा मोर बेसिक होता है, और बेस वाटर से रिएक्ट करता है तो हमारा एल्केन्स एल्केन बनाता है। और नेक्स्ट क्या है, सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड अमोनिया। ये अमोनिया जो होता है ये डिजॉल्व होके ये हमारा अमोनिएटेड आयन और अमोनिएटेड इलेक्ट्रॉन देता है। फॉर्मेशन ऑफ एमाइड, ये हमारा एमाइड फॉर्मेशन जो होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स जो है NH3 के साथ रिएक्ट करके ये हमारे एमाइड का फॉर्म देते हैं। हम लोगों ने अभी तक एल्कली मेटल के बारे में डिस्कस किया, अब एल्कली अर्थ मेटल क्या होता है। एल्कली अर्थ मेटल में जो होता है ये हमारा बेरेनियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम होता है। तो इसमें क्या होता है, इसकी प्रॉपर्टी, इसका जो होता है ये इसका आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है NH2 होता है, और ये हमारा ऐसे नोवेल गैसेस के साथ ये ऐसे भी हम लोग इसका लिख सकते हैं जिसका NH2 होता है, लास्ट इलेक्ट्रॉन जो होता है NH2 जाता है। और इसका ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करें तो ये जो होता है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, जैसे MgCl2 होता है तो इसमें +2 चार्ज होता है Mg पे, तो ये हमारा +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। और इसकी वैलेंसी की बात करें तो ये हमारी 2 वैलेंसी, इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो ये हमारा जो होता है +2 वैलेंसी शो करता है। और एटॉमिक साइज़ की बात करें तो ये जो हमारा होता है एल्कली मेटल से थोड़ा कम एटॉमिक साइज मतलब कि शो करता है, इसे लेस एल्कली मेटल से कम शो करता है। टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी साइज जो होती है इंक्रीज़ होती है, और आयोनाइजेशन एनर्जी ये मोर देन इलेक्ट्रिक एल्कली मेटल, ये आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है इसकी ज़्यादा होती है एल्कली मेटल से, और टॉप टू बॉटम जाने पर तो इसकी भी सिमिलर आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होती है। मेटोलिक नेचर, ये एल्कली मेटल से कम मेटोलिक नेचर शो करता है, और टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी भी मेटोलिक नेचर जो होती है इंक्रीज करती है। और रिडक्टिंग नेचर लेस देन एल्कली मेटल, रिडक्टिंग नेचर जो इसका होता है एल्कली मेटल से कम होता है, टॉप टू बॉटम जाने पर इसकी रिडक्टिंग नेचर भी इंक्रीज करता है। और ये रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हाइड्रोजन, ये जो हमारा हाइड्रोजन से रिएक्ट करके ये हमारा BeH2 MgH2 ये ऐसा हमारा ये हाइड्राइड फॉर्म करता है, तो BeH2 और MgH2 जो होता है ये हमारा कोवेलेंट होता है। और ये हमारे सब जो होते हैं CrH2 SrH2 BeH2 ये हमारा आयनिक हाइड्राइड होता है। और नेक्स्ट है हमारा रिएक्टिविटी टूवर्ड्स ऑक्सीजन, तो हमारा बेरियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड ये ऐसे शो करता है, ये हमारा क्या होता है बेसिक होता है। और नेक्स्ट क्या है, रिएक्टिविटी टूवर्ड्स हैलोजन, हैलोजन के साथ ये हमारा BeCl2 MgCl2 ये हमारा जो होता है कोवेलेंट नेचर का होता है, और CaCl2 और SrCl2 ये जो हमारे ये सब जो हमारे होते हैं आयनिक नेचर के होते हैं, लेकिन NaCl MgCl2 ग्रेटर होता है NaCl से, ये मोर कोवेलेंट होता है। पोलराइजेशन की बात करें तो पोलराइजेशन जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कार्बन होता है ये, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज ऑफ केटायन होता है, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ केटायन होता है। और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो होता है बेरेनियम और मैग्नीशियम ये हमारे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो नहीं करते हैं क्योंकि इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है। आई होप आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।